हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर, मैट्रिक्स जो क्लास 12 की थर्ड चैप्टर है और इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, केमिस्ट्री के दो रिएक्शन पढ़ेंगे, हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन, इसके बाद पढ़े हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण, पढ़े हैं हम लोग फिजिक्स के भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, हम लोग कुछ होमवर्क आप लोगों को दिए हुए हैं। लेकिन आज से हम लोगों का एक मैट्रिक्स चैप्टर का सीरीज चलेगा। इसको ध्यान से आप लोग, मैं सारे थ्योरी बताऊंगा पहले, थ्योरी के बाद आप लोगों को सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्लुरल फॉर्म जो होता है, अगर कोई पूछ दे आपसे प्लुरल फॉर्म, इसका प्लुरल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स का प्लुरल फॉर्म, तो मैट्रिक्स का प्लुरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। इसका प्लुरल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस प्लुरल फॉर्म इसका होता है। और मैट्रिक्स अगर अच्छी तरह से समझे हम तो मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, मैट्रिक्स को टेबल से डिनोट कर सकते हैं। टेबल होता है ना, टेबल जैसे हम लोग करते हैं ना कि सीरियल नंबर, नंबर ऑफ मैंस, नंबर ऑफ बुक्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, एक टेबल बनाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ बुक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सीरियल नंबर 1 2 3 4, यहाँ बुक्स हो गया 5 6 7 8, यहाँ पे 9 8 2 5, ये सब क्या है। तो एक टेबल हम तैयार करते हैं और इसी टेबल को मैथ्स में ले लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम लोग, अगर इसका डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ें तो कुछ भी नहीं डेफिनेशन इसका है, साफ साफ इसका रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, सॉरी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, किसी भी संख्या का, किसी भी फलन का, किसी भी फंक्शन का जब हम लोग आयताकार व्यवस्था करते हैं, आयताकार व्यवस्थित करते हैं उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। मीन्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे ये क्या है, रेक्टेंगुलर नहीं है, अगर इसको देखा जाए तो एक हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, आप लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, कुछ नंबर्स ऐसे हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं, इसको अरेंज किया गया है रेक्टेंगल के रूप में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स को अच्छी तरह समझना है तो मैट्रिक्स एक टेबल को शो करता है, मैट्रिक्स एक टेबल ही है जिसको हम मैथ में उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैट्रिक्स के, अगर अगला टॉपिक मैट्रिक्स का पढ़ें, लिखे यहां पर मैट्रिक्स, और इसे एग्जांपल एक देखें हम लोग, सपोज कीजिए कि ए आपका मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट से शो करते हैं, मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट से शो करते हैं जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है, क्लोज ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, एक आप लोग बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, एक बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, इसको बोला जाता है कहीं बिग ब्रैकेट बोला जाता है इसको। तो ध्यान दीजिए कि इस मैट्रिक्स में हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, इस ब्रैकेट का यूज कभी भी नहीं कर सकते हम लोग इस मैट्रिक्स में। क्यों इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैथ्स में पहले से, इसका आप सेट चैप्टर जब पढ़िएगा, 11th में सेट चैप्टर पढ़ना है और 12th में पढ़ना है, तो सेट चैप्टर में इसका यूज किया जाता है, यूज किया जाता है सेट चैप्टर में, यूज किया जाता है जब सेट पढ़ते हैं, सेट में कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है। और मैट्रिक्स में आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, इस ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं और इस ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट आपका सही माना जाएगा। लेकिन यहां पे पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो एनसीईआरटी बुक है, ये एनसीईआरटी बुक लास्ट टाइम जो पब्लिश हुई थी 2006 में, 2006 के बाद इसके सिलेबस को चेंज नहीं किया गया है,
सेम टू सेम सिलेबस इसका आते हुए रहा है, इस कारण से इस बुक में एनसीईआरटी बुक में आपका इस ब्रैकेट का जिक्र नहीं किया गया है। इस कारण से अगर एग्जाम में अगर लिखे एग्जाम में अगर इस ब्रैकेट का यूज करें हम लोग तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, एग्जाम में आंसर गलत नहीं होगा, इसलिए बुक के अनुसार चलेंगे हम लोग इसी ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसी का यूज करेंगे, यही हमारा सही माना जाएगा। ऐसे अगर एग्जाम में आप इसको भी लिखते हैं तो यही आपका सही होगा, लेकिन बुक में अभी आपका ये वाला चीज नहीं दिया हुआ है। ये तो एक ब्रैकेट का मिस मैट्रिक्स को अगर अरेंज करने के लिए जो नंबर्स जो अरेंज करते हैं वो किस ब्रैकेट में अरेंज करेंगे, तो इस तरह के ब्रैकेट में नंबर को अरेंज करेंगे हम लोग। और ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए यहां पर ले लेते हैं हम 3x 10x 4 5 6 9 8 7। सपोज कीजिए मैंने नंबर लिया, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में इसको मैट्रिक्स क्यों कहेंगे हम लोग, और देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब रेक्टेंगल का जैसा हमको दिख रहा है इसका अरेंजमेंट किए हैं हम लोग किसका, अब तो कुछ नंबर्स भी इसमें हमारे हैं और कुछ फंक्शन भी हैं। देखिए ये हमारा कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा है, पॉलीनोमियल फंक्शन हमारा है, ये क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब इसमें ध्यान देना है कि मैट्रिक्स में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इस मैट्रिक्स में अगर बात कीजिए कि मैट्रिक्स में जो हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ध्यान दीजिए आप दो लाइन पढ़े होंगे आप लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हमारा लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, देखिए आपका ए लाइन यहां से ऐसे गया, ए लाइन ऐसे गया, फिर हमारा ए लाइन ऐसे गया, फिर हमारा नंबर एक ऐसे गया, एक नंबर ऐसे गया 3x 10x 4 5 6 9 8 7, 3x 10x 4 5 6 9 8 7 लाइन इस तरह से चला हमारा। एक लाइन कैसे आया 3 4 9 x 5 8 10x 6 7, 3 4 9 x 5 8 10x 6 7। तो हमारा दो तरह से एक ऐसे लाइन में आ रहा है और एक हमारा लाइन ऐसे जा रहा है, तो जो हमारा ए इस तरह लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरफ के लाइन को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रोज, इसको बोलते हैं रोज बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं रोज। अगर इधर इधर से हमारा लेफ्ट से अगर राइट की ओर जाएंगे, लेफ्ट से अगर राइट की ओर जाते हैं मतलब लेफ्ट टू, अगर हम राइट जाते हैं लेफ्ट टू अगर हम राइट जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। अब अगर हम लोग अप से डाउन की ओर आते हैं, क्या आते हैं अप टू डाउन की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। सुन मैं रो कॉलम किसको बोलते हैं, रो कॉलम मतलब हुआ कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो करें तो इसको बोलते हैं रो, अगर हम लोग अप टू डाउन अगर वर्टिकल लाइन की फॉलो करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। यहां तक समझ में आया, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये थ्योरी है, थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसको रब करके अब बताते हैं आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब हम लोग ध्यान देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए बच्चों, जो मैं क्लास ले रहा हूं आप लोगों के लिए यह कोरोना वायरस को लेकर है, कोरोना वायरस में गवर्नमेंट ने सभी लोगों को बोला है कि किसी को कोचिंग कॉलेज नहीं जाना है, कोचिंग संस्थान नहीं चलाने हैं अभी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन आया हूं कि आप लोग कुछ सीख सकें, घर में बैठे बैठे कुछ सीख सकें, आप लोगों का सिलेबस लेट ना हो, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, किसी बाहर नहीं निकलें, घर में बैठ कर अपना पढ़ें। इसलिए जब मैं आप लोगों के लिए पहल कर रहा हूं तो आप लोगों को मेरे लिए पहल करना पड़ेगा,
ठीक है, आप लोगों को ध्यान से सारे चीजों को कवर कब करना होगा। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको फिर से वीडियो को बैक में करके फिर से उसको पढ़ना है, ध्यान देना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सर इसको फिर से कीजिए, या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, 8825210256, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, उसको फिर से आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ मैं, ठीक है। अब जानिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में लोग दो चीज पढ़े अभी कि जो हमारा ये मैट्रिक्स अगर है, इस मैट्रिक्स में 256987259 अगर कुछ इस तरह का हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम वही पढ़े कि ए हमारा रो कहलाता है और ए हमारा क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा रो और कॉलम का अरेंजमेंट है, व्यवस्थित व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉलम से तो हमारा ये क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। और आपके एनसीईआरटी के अंदर नंबर ऑफ रोज को ऑर्डर में लिखने के लिए एम से निरूपित किया जाता है और नंबर ऑफ कॉलम को निरूपित किया जाता है एन से। मतलब रोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो रोज को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, क्या बोलते हैं, पंक्ति, और कॉलम को क्या बोलते हैं, तो स्तंभ, क्या बोलते हैं, स्तंभ। इंग्लिश थोड़ा बेटर होता है, हिंदी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस कारण से मैथ्स को हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, रोज को क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, कॉलम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। और इस रोज को मतलब कि पंक्ति की संख्या, इस मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या कितनी है और इस मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या कितनी है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई में केवल सिंबल है केवल, अगर मल्टीप्लाई में केवल लिख दें तो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ सॉरी एक चीज आप लोग बताना भूल गए हूं कि ये तो मैट्रिक्स का सिंबल हुआ कि इस सिंबल में मैट्रिक्स लिखा जाता है, इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे नंबर पर्सनल नंबर क्या है, ये सारे नंबर को बोला जाता है एलिमेंट्स, क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स। मतलब कि इस मैट्रिक्स का यह है सिंबल और इस सिंबल के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे जो भी फंक्शन हो, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ, मतलब कि इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, इस ऑर्डर के थ्रू इसको कैसे लिखेंगे, तो किसी मैट्रिक्स में इसको लिखेंगे एम इंटू एन करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम इंटू एन करके लिखेंगे। मतलब कि इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब यहां पर रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है, मतलब कि इसमें रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे, मतलब कि एम डॉट एन। अगर इसको गुना करके टोटल कर दें, हम टोटल नंबर ऑफ बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोनों को, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका मैट्रिक्स में होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर यहां पर सपोज कीजिए एम एन टू एन है तो इसका इसमें कितना ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिए, ये हमारा ए भी हमारा रो है, ए भी हमारा रो है और ए भी हमारा रो है, ये सब रो है हमारा, इसको कौन सा रो बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे आर वन, इसको बोलेंगे आर टू, इसको बोलेंगे आर थ्री, बोल सकते हैं ना, ये हमारा फर्स्ट रो,
ये हमारा सेकेंड रो, ये हमारा थर्ड रो। अब देखिए ऊपर से नीचे, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकेंड कॉलम, ये हमारा क्या है थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो रो को हम लोग आर से लिए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं सी से, मतलब कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये क्या है मेरा थर्ड कॉलम है। इस तीनों कॉलम है, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है हमसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान दीजिए यहाँ पर रो कितना है, तो एक रो, दो रो और एक तीन रो, यहाँ पे क्या लिखते हैं तीन। नंबर ऑफ रोज पूछा हमसे, फिर क्या बोल रहा है कॉलम, तो एक कॉलम, दो कॉलम और एक तीन कॉलम, तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू थ्री। तो अगर कोई पूछ दे आपसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आपको ब्रैकेट में से लिखना है थ्री इंटू थ्री। अगर पूछ दे कोई कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स का क्या है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आप, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम। तो एम का मान कितना है, तो थ्री है, फिर एम का मान कितना थ्री है, फिर कितना हुआ नाइन। इसमें टोटल हमारा एलिमेंट्स कितना है नाइन है, गिनिए आप लोग नाइन एलिमेंट्स है कि नहीं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। तो हम लोग को ऐसे गिनती करके बताना पड़ेगा, लेकिन इसीलिए मैट्रिक्स बनाकर वो बिना गिनती किए पता कर सकते हैं कि कितना होगा। ध्यान दीजिए कि हमारा यहाँ पे छोटी संख्या तो हम लोग गिनती कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हमारा एक ही बार बिना हमको बताए हुए अगर एक लाख संख्या दे दे तो कैसे करेंगे। अगर रोज कॉलम मालूम रहेगा हमको, तो उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम गिनती कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर है कि हमारा इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, नाइन एलिमेंट्स है। अब ध्यान दीजिए कि आखिर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हम लोग, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़े, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के अंदर में क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है, इस मैट्रिक्स का रूप क्या होता है, इस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं और रफ करके फिर आप लोगों को बताता हूं कि इस मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, ठीक है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, सपोज करो एक मैट्रिक्स का नाम ए दे दिया, और आपसे कोई पूछ दे इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। तभी हम लोग पढ़ क्या पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बनता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। ध्यान दीजिए कि हमारा क्या है, ये इधर से इधर लग गया है, तो फर्स्ट रो आर वन, ये क्या गया है तो हमारा सेकेंड रो आर टू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको सी वन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग सी टू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग सी थ्री। अब देखिए इसमें रो कितना है, इसमें रो कितना है, दो रो है, तो कितना होगा टू मल्टीप्लाई, कॉलम कितना है एक दो तीन, तो कितना हो गया टू बाई थ्री, तो इसको क्या बोलेंगे टू बाई थ्री, इसका ऑटोमेटिक होगा टू बाई थ्री, ठीक है। यहां पर मैट्रिक्स बोलेंगे टू इंटू थ्री लिख देंगे, तो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखने का साफ मतलब यही है कि इसमें इस मैट्रिक्स में अगर कोई तुमसे बोल दे डायरेक्ट फोर सिक्स, तो इसमें तो समझ जाना है कि यहाँ पर हमारा रो शो कर रहा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है हमारा कॉलम शो कर रहा है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का नाम बोला है इस मैट्रिक्स में, इसका मतलब चार हमारा रो है, चार रो, एक दो तीन और एक चार, ठीक है। कॉलम बोल रहा है, कॉलम क्या होगा छह बोल रहा है, तो एक दो तीन चार पांच और एक छह। अभी हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है हमारा जिसमें क्या है तो छह कॉलम है, रो कितना है चार है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लगातार गिनती ले रहे हैं तो लगातार गिनती होता नहीं, एक समझने के लिए कि लगातार नंबर ले देते हैं, जल्दी जल्दी लिखा जाता है, इस कारण से लिखे हम लोग, ठीक है। तो क्या है हमारा, तो इसका अगर पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो फोर इंटू सिक्स, क्या हमारा फोर इंटू सिक्स है। ये एग्जाम्पल ले लिया आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अच्छी तरह समझने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स,
क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स का हमारा फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है। मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स को हम लोग ए से निरूपित करते हैं और ए बराबर इसको इस तरह से लिखा जाता है, इस ब्रैकेट में ए आई और जे करके लिखा जाता है, ए आई जे करके लेते हैं और एम इंटू एन करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स का ओरिजिनल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, कि मैट्रिक्स का मैथ्स में, ट्वेल्थ के जो मैथ्स हैं इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो मैट्रिक्स का ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए आई जे, ऑर्डर में क्या होगा, एम इंटू एन। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, एम क्या है, एम शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज, एन क्या शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ कॉलम, आई क्या शो कर रहा है, तो आई हमारा शो कर रहा है रो, और जे क्या शो कर रहा है, तो कॉलम। आई क्या है हमारा, रो है, और जे क्या है हमारा, कॉलम। एम क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारा मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं हम, 3 4 5 9 7 6। ध्यान दीजिए, ए बराबर हम दे दीजिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर है हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में एक कितने नंबर पे है, तो इसको अगर डिनोट करें हम, तो ये हमारा क्या है, आ तो आर वन है, ये क्या है हमारा आर टू है, ये क्या है हमारा सी वन है, ये क्या है हमारा सी टू है, और ये क्या है हमारा सी थ्री है, ठीक है। मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें हम, तो कितना है देखे, तो एक रो, दो रो, दो रो, कॉलम कितना, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तीन कॉलम, मैट्रिक्स ऑर्डर हो गया हमारा। एलिमेंट्स कितना है, दो तिहाई, छह, क्या हो गया हमारा, एलिमेंट्स हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि अगर इस वैल्यू को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए हमको, तो कैसे लिख सकते हैं बताइए, तो ए नंबर कितना पर है, आ तो ए नंबर जो है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारा ये नंबर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जिसको लिख सकते हैं कि ए, ए वाला ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और आई की जगह क्या शो करता है रो, तो रो में क्या है, तो वन है ना, तो वन, और जे में क्या है, कॉलम है ना, तो कॉलम में, कॉलम है ना, तो कॉलम में क्या लिखा है, वन लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे, इस प्लेस को बोलते हैं हम लोग, ये जो प्लेस हमारा है, ए बराबर प्लेस की तुलना करें हम लोग, ये प्लेस हमारा क्या है, प्लेस का नाम है हमारा ए वन वन। इस प्लेस का अगर हम नाम लिखें, तो देखिए तो हमारा फर्स्ट रो में तो आ रहा है, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो पहले किसको लिखते हैं, पहले किसको लिखते हैं, तो पहले आई क्या है हमारा, आता आई हमारा रो है, तो पहले किसको लिखते हैं रो को, और फिर बाद में किसको लिखते हैं कॉलम को लिखते हैं। देखिए यहां पर ए तो लिखना ही है, रो क्या है हमारा, तो रो हमारा है फर्स्ट, चलो फर्स्ट रो लिख दीजिए, कॉलम क्या है हमारा सेकेंड, तो सी टू लिख दीजिए, ए वन टू इस प्लेस का नाम हो गया, इस प्लेस का नाम लिखे हम, इस प्लेस में क्या है हमारा, फर्स्ट रो तो चल रहा है, लेकिन कॉलम कौन सा आ रहा है, तो थर्ड कॉलम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो तो है, लेकिन कॉलम कैसा है, तो थर्ड कॉलम है, इसको इस प्लेस का नाम क्या हो गया, तो इस ए प्लेस का नाम हुआ वन टू, इस प्लेस का नाम हुआ ए वन वन, इस प्लेस का नाम हुआ हमारा ए वन थ्री। इस प्लेस की बात करें हम, इस प्लेस का नाम क्या है, तो ए हमारा है आर टू। ध्यान दीजिए यहां पर, जब ये आर टू है, तो आर टू हमारा अगर इस प्लेस की हम बात करें, तो ये हमारा सेकेंड क्या है, तो सेकेंड रो है, और ये क्या है, तो फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट सेकेंड रो तो है, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो ये नंबर जो है किसके सामने है, तो फर्स्ट कॉलम के सामने है, लेकिन रो कौन सा है, सेकेंड, तो पहले किसको लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं किसको, आई क्या है, आई हमारा रो है, तो रो कौन सा है, टू है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो ए क्या हो जाएगा टू वन। यहां ध्यान दीजिए, इस प्लेस का नाम,
ये हमारा ये प्लेयर, ये वाला प्लेस है, इस प्लेस का नाम देखिए, सेकेंड रो, तो पहले किस रो को लिखते हैं टू, सेकेंड कॉलम टू टू, इस प्लेस का नाम लिखिए, इस प्लेस इसको इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सेकेंड रो तो है लेकिन कॉलम कौन सा है थर्ड, इसको क्या बोलेंगे ए टू थ्री। तो इस तरह से मैट्रिक्स का हम लोग फॉर्म लिखते हैं कि ये मैट्रिक्स का यही रूप में इस मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका सारा मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हम लोग पढ़े। ऐसा नहीं, देखिए मैट्रिक्स का बहुत सारा थ्योरी है, तो हम थ्योरी केवल पहले बता देंगे, आप फिर ऐसा स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन में कौन सा थ्योरी लगा, ये थोड़ी सी थ्योरी थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग इसका सीरीज लेकर चलेंगे। इसलिए इसको मैं रब करता हूं, रब करके क्वेश्चन लिखता हूं और आप लोगों को मैं सॉल्व करता हूं कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए आप लोगों का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5 2 12 3 1 -5 17, ये आपका एक मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दे दिया है आपको और आपसे क्वेश्चन किया है कि इसका आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखिए, राइट लिखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एंड राइट द एलिमेंट्स a13 a21 a33 a24 और a23, इसको आप लोगों को लिखकर दिखाना है। सबसे पहले मैं यहां पर इसको फिर से एक बार लिख लेता हूं समझाने के लिए, 2 5 19 -7 35 -2 5 by 2 12 root 3 1 -5 और 17, हमारा ए बराबर मैट्रिक्स दे दिया है। हमको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सॉल्यूशन ए का सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं तुरंत। हम पहले हम लोग पढ़े कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अब इसके बराबर होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है क्या, अतः नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ रोज मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम्स, जो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब क्या इज इक्वल टू एम इंटू एन बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितने, ध्यान दीजिए यहां पर ये देखिए, एक हमारा ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक फर्स्ट आर वन, ये हमारा क्या है आर टू, ये हमारा क्या है आर थ्री, आर वन आर टू एंड आर थ्री। एग्जाम में कैसे लिखना मैं बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे लिखना है, एग्जाम सोल्यूशन करके ऐसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है, आर वन आर टू एंड आर थ्री, ये हमारा क्या है, तो ये सी वन है, ये हमारा सी टू है, ये हमारा सी थ्री है, ये हमारा क्या है सी फोर है। तो हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉल, हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से। देखिए तो नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2 3 3, कॉलम कितना है, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई कर 4, ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम से, तो क्या बनेगा 3 × 4 हो जाएगा। एकदम क्लास के जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्लास में पढ़ाई होती है उस तरह से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंट तो है, मैं क्लास में बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ, क्लास में मस्ती करते हैं, यहाँ पर मस्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि मस्ती करने में बहुत सारा समय लग जाएगा, इसलिए क्लास में मस्ती करते हैं, यहाँ मस्ती नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बी नंबर क्वेश्चन, बी क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो वो पढ़े नंबर ऑफ करते हैं m into n, m कितना है, m का मान देखिए यहाँ पर 3, n का मान कितना हो रहा है 4, 3 into 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ये हमारा क्या हो गया सेकंड का आंसर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो हमारा रो ऑफ कॉलम को जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। अब हमसे पूछ रहा है सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, तो सी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि राइट द एलिमेंट्स, देखिए a13 एक एलिमेंट्स है, a21 एक एलिमेंट्स है, a33 एक एलिमेंट्स है, a24 एक एलिमेंट्स है और a23 एक एलिमेंट्स है, और इस एलिमेंट्स को ए इसमें
ए एलिमेंट इसमें कहाँ है, मतलब कि जो मैट्रिक्स का फॉर्म ए होता है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में इस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके जगह पर है। इसे पूछने का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि A13 जो मैट्रिक्स का फॉर्म है इसके प्लेस पे कौन संख्या दिया हुआ है, A21 जो एक मैट्रिक्स का फॉर्म है इसके जगह पर, इसके प्लेस पर कौन सा संख्या इस मैट्रिक्स में दिया हुआ है, उसको आप रूल लिख कर हमको बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम 1 3 की बात करें, मतलब कि आप लोगों को पता है कि पहले इसमें होता है रो, फर्स्ट में क्या होता है रो होता है, सेकंड में क्या होता है कॉलम होता है। तो ध्यान दीजिए कि फर्स्ट में रो और सेकंड में कॉलम, तो R1 और 3, ठीक है, तो कहां रहा है, आ तो यहां पर देखिए आ रहा है, ये हमारा फॉर्म जो है A13 का फॉर्म है। पहले रो, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, और 19। तो हम अगर यहाँ लिखना चाहें अगर हम लोग किसका मान, अतः A13 का मान लिखना चाहें कितना हो जाएगा, अतः हमारा 19 जो मान है A13 का मान है। ठीक है, पूछ रहा है A21 का, ध्यान दीजिए यहाँ पर टू क्या शो कर रहा है हमारा, रो का सेकेंड रो में चले गए हम लोग, तो सेकेंड रो में आ गए। फिर क्या शो कर रहा है कॉलम को सा फर्स्ट कॉलम, तो कॉलम फर्स्ट है फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, देखे तो इधर से गया फर्स्ट क्या है यहाँ पे आ गया, कहाँ लाइन मिल रहा है, यहाँ पर लाइन मिल रहा है, इसका आंसर क्या होगा 35। फिर क्या पूछ रहा है हमारा A33 पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या होता है रो होता है, तो रो देखिए थर्ड रो कहाँ है, आ तो R3 थर्ड रो चले गए हम। फिर क्या कॉलम कौन सा थर्ड कॉलम, क्या थर्ड रो में जा रहे हैं, ठीक है, फिर कौन सा कॉलम थर्ड सा ए थर्ड रो में चले गए, कॉलम कौन सा आ रहा है, आ तो थर्ड कॉलम, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जो संख्या हमारा क्या है हमारा A33 है। ठीक है, पूछ रहा हमसे A24 देखिए मतलब क्या, अब तो सेकेंड रो R2 क्या है हमारा सेकेंड रो है, सेकेंड रो में आ गए हम, तो सेकेंड रो में आ गए, कॉलम कौन सा है हमारा, अब तो 24 यहां देखिए C4, मतलब 2 सेकेंड रो और 4 कॉलम इज इक्वल्स टू 12, भी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा A23 क्या होगा, 23 हमारा क्या होगा, देखिए तुम 23 में 2 क्या है, फर्स्ट में रो है, सेकंड में क्या होता है कॉलम होता है, रो कौन सा सेकंड रो, कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम ये 5/2 हमारा क्या हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं, और किसके जगह पर किस एलिमेंट्स के प्लेस पर कौन सा नंबर दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हमारा लिखने का तरीका होता है, एग्जाम में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। आज हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, अगले मैट्रिक्स जो सीरीज रहेगा इसमें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से करेंगे और कुछ उसका थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, ओके दोस्तों, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ओके बाय।